सामने हाजिर हुई हैं साड़ी ओही एनएमएमएस सीरीज दे अंडर मैट दे अंडर एक नवी एनालॉगी लेके आई हैं जो कि है एनालॉगी टाइप 5। इस टाइप नू असी नाम दिने हैं नंबर एनालॉगी। जिहड़े अज साडे इस चैनल दे नए आए हैं उन्हां नू मैं एक बार दस दवा ये है मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल जिथे असी एनएमएमएस पेपर नाल रिलेटेड सीरीज शुरू कीती है जिंदे च असी एनएमएमएस दे अंडर मेंटल एबिलिटी पेपर दी तैयारी करवानी शुरू कीती है। उनदे अंदर असी सब तो पहला एनालॉगी शुरू कीती है अज टाइप 5 करनी है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 ये चार जड़ियां हैगियां असी टाइप्स कर चुके हैं उनदियां वीडियो साडे चैनल ते है गो एंड चेक आउट मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दे दूंगी। अज जिहड़ी वारी है साडी टाइप 5 दी तां बिना देर किते आओ शुरू करदे हैं। तां इस टाइप 5 नूं असी नंबर एनालॉगी कहने हैं। क्यों नंबर एनालॉगी? क्योंकि इंदे विच जिहड़ी एनालॉगी दा पैटर्न है उंदे च नंबर दित्ते है यानी नंबर दा एक पेयर दित्ता होया है दूजे पेयर दा अद्धा हिस्सा एक पार्टनर दित्ता है दूजा पार्टनर असी लभना तरीका ओही है। इंदे विच भी असी पहला जिहड़ा पार्टनर या पहला जिहड़ा पूरा पेयर दित्ता है उंदे च असी रिलेशनशिप लभांगे कि किस बेस नाल किस लॉजिक नाल ओ रिलेशनशिप उन्होंने लगाया है उन्होंने ओ पेयर फाइंड आउट किया है उस नाल असी दूजे का आंसर कढ़ांगे। तो ओही है ऑप्शन उवें चार चार दित्तियां उंदे चो सही आंसर लभना। हुण किसी भी पेपर लई या कोई भी टेस्ट करने लई असी पहला तैयारी करदे हां। तैयारी मैं की करके रखी है कि मैं पहला ही जिवें कि तुसीं इत्थे ब्लैक बोर्ड ते देख रहे हो कि मैं 2 तो लैके 10 तक दे स्क्वेयर सारे लिख ले है ते 2 तो लैके 10 तक दे क्यूब सारे लिख ले है। मतलब पंजाबी च जे मैं कहां कि 2 तो 10 तक दे वर्ग सारे लिख ले ते 2 तो 10 तक दे घन सारे लिख ले क्योंकि जदों भी नंबर एनालॉगी करनी है ता ए बहुत ज्यादा काम आने है। ए जे आपां नहीं लिखांगे चाहे आपां नूं आंदे है पर फिर भी जे सामने लिखे होणगे ता जल्दी तो जल्दी असी रिलेशनशिप लभ लैने हां। किवें ए किवें हेल्पफुल होने है आओ हुन क्वेश्चंस नाल देखिए। तो पहला क्वेश्चन है 25-36 आ पहला पेयर दिता है दूजे पेयर दा जेड़ा आपां नूं हिस्सा दिता ओ की है 81-। हुन आपां इंदा डैश दा आंसर लभना है ये चार ऑप्शंस दित्तियां 900, 121, 144। हुन देखिए इन्हां च हुन जेड़ी आपां तैयारी कीती सी पहला उधर देखिए की चीज है। आओ देखो 25 ते 36 दा हुण मैं इधर देख रही कि 25 ते 36 मैनूं किते दिखदे पए आ आ रहा 5 दी घात 2 25 5 दा स्क्वायर 25 6 दा स्क्वायर 36 तां इस दा मतलब आ की चीज है 5 दा स्क्वायर है ना ते 36 की चीज है 6 दा स्क्वायर ठीक है। हुण अगला पार्टनर 81 है की इत्थे 81 भी हैगा आ रहा 9 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 81 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਿੱਤਾ 5 ਦਾ ਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ 9 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ 10 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ 100 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੁਆਇਰਸ ਕਿਊਬਸ ਜਾਂ ਵਰਗ ਧਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ 12 169 11
मैं कोशिश करती पई है कि हिंदी च भी बोला, पंजाबी च भी बोला, मिक्स बोला, ताकि सारे तरह के बच्चों नू समझ आवे। मैनू कई ने कमेंट्स किया कि प्लीज हिंदी यूज करो, प्लीज पंजाबी यूज करो, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं दोवें चीजा कट्ठियां यूज करा, हिंदी का टर्म भी ते पंजाबी का भी, ते इंग्लिश मीडियम वाले ने इंग्लिश का भी, ठीक है। पर फिर भी अगर कोई आंदी है तो मैं जरूर कमेंट्स च दसो। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, 12 169 11 डैश। हुन फिर सब तो पहला याद रखना है कि जदों भी इदां दे क्वेश्चन आने हैं नंबर एनालॉगी दे, तां आपां सब तो पहला नजर स्क्वेयर ते ते क्यूब्स ते ही मारनी है, क्योंकि सब तो पहला आपां उन्हां चों ही देखने कि इदां चों केड़ा लॉजिक या केड़ा अपना रिलेशनशिप बनता पिया। जी इन्हां चो कोई नहीं बनूगा फिर होर कुछ सोचना है, पर सब तो पहला आपां जाना उधर ही है, ठीक है। हुण जिवें इत्थे 12 169, तां हुण 169 मैनूं याद आ रहा है कि यह स्क्वेयर हैगा, पर आपां देखदे हां तां देखो 169 इत्थे तां किसे दा नहीं है, पर मैनूं पता है 169 क्योंकि इत्थे 12 है, तो 169 शायद 13 का होगा। मैनू प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करके मैं कह रही हूं कि 169 13 का होगा। तो उन्हें प्रैक्टिस नहीं है तो जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्दे नाल आऊगा, ठीक है। हुण आपां करके देख लेने हैं, 13 30 नाल मल्टीप्लाई करके देखो, 9 9 3 3 9 3 1 3 1 3 3 1 1 1 9 3 3 6 13 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, यानी कि ये 12 है, तो अगले 169 की है 13 का स्क्वायर, यानी कि 12 तो अगला जेड़ा नंबर आंदा है उनका स्क्वायर, ठीक है। हुण एवें इत्थे 11 लिखिया है, फिर इसका मतलब इस लॉजिक नाल इत्थे की आऊगा, 11 तो अगला केड़ा नंबर आंदा है काउंटिंग च, 12, तो फिर 12 का स्क्वायर होगा इत्थे। हुण 12 का स्क्वायर की हुंदा है, ये आपां मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करके देखिए तो इधर करन लगी हैं 2 2 4 2 1 2 1 2 का 2 1 1 1, तो 4 2 2 4 1, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144 144। तो हुण इन्हां च ऑप्शन हैगे है आर्या सी ऑप्शन ते आंसर आ गया, ठीक है। तो आओ हुण अगला करिए, तीजा क्वेश्चन 4 19, ठीक है। अगे 7 उनका अगे पार्टनर आपा लबना है। हुण देखो ये 4 है ते 19 है, ठीक है। हुण पहला मैं देखा 4 ते 19 मैनू आ स्क्वेयर रूट या क्यूब रूट च दिते होए आ, ता देखो 4 ता आ रहा है ना, पर 19 ना ता ये वर्ग च है ते ना किते घन च है, ते 7 भी किते नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 भी इस स्क्वेयर का नहीं वर्तिया होया। हुण आपां पहला चेक कर लिया कि ना स्क्वेयर है ना क्यूब है, तो इसका मतलब हुण इत्थे लॉजिक कुछ होर लगता है, तो हुण आपां कुछ होर सोचांगे कि देखो इन्दे विच कोई पक्का बेस या फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपां हिट एंड ट्रायल मैथड नाल लगा लगा के ही देखना पैना है कि केड़ा लॉजिक लगता है। कई बार अपना सही लग भी जाता है, कई बार नहीं भी लगता, ठीक है। मतलब ये सारी चीज प्रैक्टिस नाल ही आऊगी, इन्दे लई मेन प्रैक्टिस है, जिन्ना तुहानूं मटीरियल मिलता उन्नी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हुण आपां इत्थे देखदे हां, ते 4 ते 19 7 ते अच्छा, हुण मेरा एक दिमाग च लॉजिक तां आया, ला के देख लैने कि 4 ते 19 है, जे मैं 4 नूं 5 नाल गुणा करा की हुंदा है 20, तां 20 चो एक घटाए किन्ना हो गया 19, है ना, यानी कि जेड़ा पहला नंबर दित्ता है। हुण इत्थे मैं लॉजिक लब्भन लगी हां क्योंकि मैं इत्थे लाना है कि पहला जेड़ा नंबर दिता है ओनू उस दे अगले नंबर नाल मल्टीप्लाई करता, फिर उन्दे जो एक माइनस करता, आही कित्था है 4 नंबर दिता सी ओनू उस तो अगे केड़ा नंबर आंदा काउंटिंग 5, तो उन्दे मल्टीप्लाई कित्ता उन्दे जो एक माइनस करता 19 आ गया। हुण ए जेड़ा मेरे दिमाग च आया है इनू आपां इत्थे ला के देखते हैं। हुण 7 है
सात तो अगला नंबर केड़ा है आठ, तो सात नू आठ ना मल्टीप्लाई किया, सत्तू आठ छपंजा, लो जी 56। हुण इहदे चो की करना है, एक माइनस करना है। जो छपंजा चो एक माइनस किया आंसर किना आ गया 55। तो हुण देखो इत्थे ऑप्शन च 55 हैगा आ रहा बी ऑप्शन हैगी है ना 55, इसका मतलब ए लॉजिक इत्थे सही है ते आंसर अपना आ गया। तो देखिया हुण इत्थे दूर दूर तक कोई स्क्वायर कोई क्यूब का कोई रिश्ता नहीं सी, बस एक दम याद आया क्योंकि मैनू प्रैक्टिस है तो मैनू लॉजिक्स या ए मैनू याद आ रहा है कि मैं इन्ना मल्टीप्लाई करना। पर कुछ मेन लॉजिक्स होंगे जिहड़े लग जाते हैं, जिवें किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर का क्यूब या किसी के स्क्वायर चो माइनस करना किसी के क्यूब चो माइनस करना प्लस करना या एक नंबर अपने अगले नंबर नाल मल्टीप्लाई, ये कुछ इदा दे कॉमन जे है फॉर्मूले या बेस या लॉजिक्स जिहड़े ज्यादातर लग ही जाते हैं। ठीक है, इसे करके क्योंकि मैंने गल प्रैक्टिस है इसे करके मैं ये मेरी सोच उस पासे मेरा थॉट प्रोसेस उस पासे चल पिया। ठीक है, आओ हुण अगला देखिए 82 9 9 26 आंसर लभना। ठीक है, हुण ओही सब तो पहला आप देखांगे स्क्वायर ते क्यूब दा। हुण 82 कोई नहीं है पर हुण मैनू क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन माइनस प्लस दा होया सी तां मैं एक बार ये देख लिया इत्थे 82 है ते 9 दा स्क्वायर 81 है 81 है, इसका मतलब इत्थे 81 च एक ऐड किया होया। मैं हर पॉसिबिलिटी नू इत्थे लिखदी पई हां ताकि जेड़ी पॉसिबिलिटी उस वेले लगी वह आपां ला दांगे। ठीक है, हुण एक पॉसिबिलिटी मेरी की आई कि इत्थे 82 है ते इत्थे 9 दा स्क्वायर किन्ना है 81, उहदे च एक जोड़ के बनदा पिया। ठीक है, ते दूजी गल इह 9 दा स्क्वायर च एक जुड़दा पिया तो वह नंबर नाल लिखिया है ना, इत्थे इसका मतलब मैनू हिंट लग रहा है कि यह लॉजिक इत्थे लगूगा कि दूजे नंबर ते नंबर दिता है पहले नंबर ते की दिता है उनके स्केयर विच एक ऐड। हुण इत्थे करके देखिए इत्थे की है 26 है। ठीक है, हुण 26 किसे दा स्क्वायर 25 है, 25 च एक जोड़िया तो की बन गया अपने कोल 26 आई सी ना, इत्थे 81 च एक जोड़िया सी इत्थे 25 च एक जोड़िया 26। हुण आपां 81 दा स्क्वायर 81 किंदा स्क्वायर सीगा 9 दा सी ते इत्थे 25 25 किंदा स्क्वायर है 5 दा, यानी कि फिर इसका मतलब इत्थे आंसर 5 आना चाहिए। हुण देखिए ऑप्शन च 5 हैगा तो पहली ऑप्शन 5 हो गया ना। देखो जिवें जिवें आपां क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस करते हैं अपनी सोच अपनी थॉट प्रोसैस उस लाइन से चलन लग जाती है, उन्हें पता चल जाता छा भी ऑप्शन हो सकती है आ भी ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, तो अगला पंजवां क्वेश्चन करते हैं 5 9 10 - हुण की चीज है। देखो सब तो पहला आप इधर चलिए की चलना इधर स्क्वेयर क्यूब विच 5 नहीं पर 9 है गया आ रहा है ना, 10 ये भी नहीं है डैश तो आप लपना। हुण इत्थे कला एक 9 है 5 ते 10 नहीं पर क्योंकि हुण आप इत्थे प्लस 1 माइनस 1 वाले किते है तो उत्थे मैनूं लग रहा 5 की है 4 च प्लस है ना, 5 4 च प्लस है अगे 9 है, यानी कि मैनूं हुण ऐ लग रहा है कि 4 किंदा 2 दा स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब पहला नंबर की है 2 दा स्क्वायर प्लस 1 ते अगला 3 दा स्क्वायर आ बन सकदा है ना। पहला नंबर 5 का मतलब की है 2 का स्क्वेयर, इनू मैं साफ साफ लिख दिनी हां 2 का स्क्वेयर प्लस 1 ते 3 का स्क्वेयर। हुण ये किंदे दा स्क्वेयर होगा 10, यानी कि आपां नूं ये किंदा स्क्वेयर का प्लस चाहिए आ रहा 3 का स्क्वेयर 9 है, यानी कि 9 प्लस 1 10 बनता है, यानी कि 3 का स्क्वेयर प्लस 1 आही बन गया। ध्यान नाल देखो 5 सी 5 4 च इक जोड़े क्यों, क्योंकि आप पहला उपर क्वेश्चन किए प्लस 1 वाले, तो हुण मैं ये भी पॉसिबिलिटी लैके चल रही हाँ कि किसी के स्केयर या क्यूब एक जुड़ सकता है, तो उवें मैं देखा कि इतने की है 2 का स्केयर प्लस 1 2 का स्केयर प्लस 1 अगला नंबर 2 तो की आता 3 उनका कला स्केयर। हुण इतने देखा 10 है
दस नौ प्लस एक हो गया यानी कि तीन दे स्केयर दा प्लस एक। हुण तीन तो अगे गिनती च की आंदा अपने कोल चार आंदा कला स्क्वेयर चाहिए चार का स्क्वेयर अपन की चाहिए सोलह सोलह चाहिए तो हूँ आ देखो इतने सोलह है गया? नहीं है तो इसका मतलब ये लॉजिक मेरा की हो गया गलत। मैं ये सोचा सी कि पहला स्केयर प्लस वन अगला नंबर का स्केयर पर इतने उस हिसाब से मैनू की चाहिए सी सोलह पर वो तो आंसर है नहीं तो हूँ ये ऑप्शन की होगी गलत। तो हूँ इतने कोई होर लॉजिक लाना पैना की लॉजिक सोचो हुण एक लॉजिक होर आ गया मैनू की देखो इत्थे पांच है ओही चीज दो दा स्केयर प्लस एक यानी कि चार प्लस एक। हुण नौ जिहड़ा हैगा वो देखो अठ प्लस एक भी तो हो सकता है दो दे क्यूब का किन्ना आंसर है अठ उन्दे च एक यानी कि दो दे क्यूब प्लस एक ठीक है दो दे स्केयर प्लस एक पांच बनिया चार प्लस एक दो दे क्यूब प्लस एक अठ प्लस एक नौ बनिया। हुण ये दो दा सी दस देखिए दस नौ प्लस एक बनता यानी कि तीन दी पावर स्केयर प्लस एक यानी कि नौ प्लस एक किन्ना बनता दस। हुण इसदे हिसाब नाल तीन का की चाहिए अपन क्यूब प्लस एक है ना तीन का क्यूब किन्ना होंदा सताई सताई च एक जोड़िया किन्ना हो गया अठाई। हुण देखते हैं ये अठाई जिहड़ा हैगा ये ऑप्शन च हैगा कि नहीं तो इन आ रहा बी ऑप्शन अठाई हैगा तो इसका मतलब इतने आ लॉजिक लगे। हुण इस देखो स्केयर्स भी गल की है क्यूब की भी गल की है वर्ग की भी गल की है घन की भी गल की है दोवें वरते गए तो जे अपने को सारी तैयारी की हो आप मिनटो मिनटी चेक कर करके आप देखते दे पे हैं नहीं तो बहुत टाइम लगता ठीक है तो वह होर क्वेश्चन कर लें। हूँ अगला छेवा क्वेश्चन देखिए क्यासी सताई एटी वन ट्वेंटी सैवन फाइव सैवनटी थ्री पांच सौ तिहत्तर ते डैश। हुण इत्थे की बनता पिया मैं इत्थे देखा कोई वर्ग घन कोई स्क्वेयर क्यूब बनता पिया तो पहला क्यासी नौ का बनता पिया सताई सताई तीन का क्यूब बनता पिया है ना पर जे मैं वैसे देखा आपा कई कई बार पता की होंगे कई कई बार क्वेश्चन इन्ना सौखा होंगे ना सिंपल बहुत ही सिंपल होंगे पर क्योंकि असी प्रैक्टिस नाल हर औखा लॉजिक लभन दे मतलब प्रैक्टिस कर लेने काबिल बन जाने इस करके असी हर क्वेश्चन उस औखे नाल देखते कि इन्हें पता नहीं केड़ा स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक लग्या होगा कई बार बहुत सिंपल होंगे जिमें हुण देखो मैं अपने दिमाग च सोचा होया कि जो भी नंबर एनालॉगी करनी है तो मैं स्क्वेयर क्यूब देख रही हूँ तो इतने मैं स्क्वेयर क्यूब ही देखती पई सी पर इको दम मेरे दिमाग च कहिंदा ना खड़की गल इको दम दिमाग च आया कि जे मैं ट्वेंटी सैवन नू सताई का पाड़ा पढ़ा ट्वेंटी सैवन का टेबल करा तो सताई तिया कैसी होंगे करके देख लो सताई नू आप तीन नाल मल्टीप्लाई करिए सैवन थ्री जा ट्वेंटी वन थ्री टू का सिक्स से दो एट यानी कि सताई तिया कैसी यानी कि जे आप इन तीन मल्टीप्लाई करिए आंसर बनता है। हुण इत्थे भी आ देखिए कि केड़ा नंबर है जिनू तीन नाल मल्टीप्लाई करन ते पांच सौ तिहत्तर आंदा ठीक है यही लभना ना। हुण वह नंबर आप किन्नी गिनती है लखा करोड़ा हजार किन्ने अरब गिनती है गिनती का कोई अंत नहीं। हुण मैनू की पता कि तीन बार मल्टीप्लाई करन ते इन्ना होगा कि टेबल करा नहीं पता तो फिर उल्ट देख लिए कि 81 नू क्यासी नू जे मैं तीन नाल डिवाइड करा तो सताई बनता है ना मैनू इधरला नंबर दिता तो आप कोशिश इधरले नंबर नाल लॉजिक लाने की करिए इधरला मल्टीप्लाई हो गया ओही इधरला की बन गया डिवाइड कि क्यासी नू तीन नाल डिवाइड करा तो इन्ना आंसर आऊगा। हुण पांच सौ तिहत्तर नू मैं थ्री दे टेबल से डिवाइड करा तो आंसर किन्ना आऊगा देखो ता मैं इत्थे कर दिनी है ठीक है लो जी करिए आप थ्री दे टेबल ते थ्री वन जा थ्री पंजा जो तीन के दो ते सताई थ्री नाइन जा ट्वेंटी सैवन है ना हुण एक कला थ्री बज गया थ्री वन जा थ्री तो आंसर किन्ना आ गया एक सौ कानवे तो इत्थे आ गया आ रहा सी ऑप्शन आ गया ना
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਕੁਐਰ ਕਿਊਬ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੰਪਲ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਸਕੁਐਰ ਕਿਊਬ ਬਜਾਏ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 42-56, ਠੀਕ ਹੈ, 110-, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਐਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ 42-56, ਹਾਂ, 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 7-6-42, 7-8-56, ਹਨਾ, ਜਾਂਦਾ 7-6-42, 7-8-56, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ 7 ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ 7 ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6 ਨਾਲ, ਦੂਜੇ 'ਚ 7 ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 8 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ 110 ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, 10-11 ਜਾਂ 110, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਦੇਖੀਏ, 11 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ 10 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 'ਚ 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ ਨਾਲ, 8-7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ 11 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 12, ਤਾਂ 11 ਤੋਂ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 11 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ 11 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ, 1-2-2, 1-1-1, 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
गलती होगी ते आ 3 ते 132 आ गया ता हुन 132 इथे ऑप्शन हैगी है लो जी आ रहा 132 ता आंसर आ गया। ठीक है देखो हुन इथे अपन कोई स्क्वायर कोई क्यूब दी जरूरत नहीं भाई सीधा अपने टेबल्स ते आंसर आ गया। ता अगला क्वेश्चन 8 256 8 256 10 डैश हुन इथे देखिए की बनता है। देखो जे मैं कहने कि 8 ते 256 नू मैं स्क्वायर ते क्यूब च देखा मतलब 8 2 दा क्यूब है ना 256 ता इथे कोई है ही नहीं है ना यानी कि 2 दी पावर बन सकदा है पर फिर बहुत लंबा क्वेश्चन चल जूगा फिर 10 दा किसे दा क्यूब है ही नहीं जे आपा 8 नू 2 दी पावर 3 कह रहे हैं फिर उसे लॉजिक ना 10 भी तो किसी दी पावर 3 होना चाहिए सी पर वो है नहीं इसका मतलब 3 पावर वाला तो लगदा ही नहीं पिया फिर की लगदा पिया लॉजिक ए देखिए 8 ते 256 दा कोई हिसाब किताब देखो हुन मैं एक तुक्का ला रही हूं तुम्हारे नाल एक लॉजिक शेयर कर रही हूं देखते हैं लगता है कि नहीं सही है कि गलत ये अपन नु सॉल्व करन दे पता चलू की है देखो इथे 8 है हुन 8 नु 8 दा क्यूब लईए 8 दा ही क्यूब 8 दा क्यूब किना हुंदा है 512 ते 512 नु 2 नाल डिवाइड कर दो किना आंसर आउ 256 ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ 512 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 256 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬ ਲਓ ਘਨ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ 10 ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1000 ਠੀਕ ਹੈ 10 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿਊਬ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 1000 ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਾਤ ਜਾਂ ਘਾਤੰਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ 10 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ 1000 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਫਟਾਫਟ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ 500 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 500 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 500 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਲੌਜੀਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
देखो जो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेने या अपने दिमाग च कोई लॉजिक आंदा आप लाने हैं वो सही बह जाता है तो खुशी होंगी है ना, बहुत खुशी होंगी है। तो चलो अगे क्वेश्चन करिए। 10 65 17 हूँ इतने की आऊगा दसो। हां मेनू तो आ गया दिमाग च लॉजिक आया, सही गलत का मेनू पता नहीं की लॉजिक है। इधर देखो हूं मैं दिमाग च यह लाके देख लिया कि टेबल टूबल का कोई बनते नहीं क्योंकि 10 5 2s है 65 13 5s है और कोई हिसाब किताब नहीं बनता। पर हूं 10 9+1 बनता है, 9+1 9 की है 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 च 1 जोड़िया 10 तो 65 तो इतने कुछ नहीं बनता पिया। पर जे मैं कहनी 65 8 की पावर 2 बनता पिया है ना, पर 65 आ भी तो बनता पिया 4 की पावर 3 है ना। 65 लई अपने को दो ऑप्शन है, एक तो स्केयर विच है कि 8 की पावर 2 64+1, दूजी ऑप्शन क्यूब विच है 4 की पावर 3 64+1। हुण ए ऑप्शन सही है कि मैनू ए लगती है सही, क्यों? क्योंकि जे आप इतने 3 का स्केयर करिए तो 8 का स्केयर 3 तो 8 किवें पहुंचा ये अपने कोई लॉजिक नहीं। पर 4 लई अपने को लॉजिक बन जूगा कि पहला 3 का स्केयर 3 तो अगे गिनती च केड़ा नंबर आंदा है 4 उंदा क्यूब दा 1 यही है ना। हुण ये लॉजिक मैं इत्थे ला के देख दी हां 17 17 16+1 है ना, तो 4 का स्केयर+1 हूँ 4 तो अगे गिनती च केड़ा नंबर आंदा है 5 हूँ उन्दा आपां की लैना है क्यूब ते 5 की पावर 3+1 यानी कि 5 की पावर 3 किन्ना होंदा है 5 5 25 25 5 125 125 होया ना, वैसे भी आपां कीता 5 की पावर 3 125 तो हूँ इतने आ गया 125+1 तो कि आ गया 126 तो आ रहा आंसर हो गया है ना। तो देखो तुसी आप कितों कितों लॉजिक लग रहे हैं, पर ज्यादातर लॉजिक स्क्वेयर क्यूब वाले ही लग रहे हैं। स्क्वेयर क्यूब च कोई एक जोड़ लिया माइनस कर लिया डिवाइड कर लिया यही चीज है या सिंपल टेबल्स ठीक है। चलो हूँ अखीरला क्वेश्चन अज की नंबर एनालॉगी का कर रहे हैं 3 2 43 5 - हूँ 3 ते 2 43 हिसाब किताब की है देख रहे हैं। देखो 243 इत्थे दा कोई है नहीं है ना, जे आपां 243 नूं 3 नाल डिवाइड करिए तां किन्ना बनूगा 81 है ना, जां ऐ कर लईए कि 3 ते 81 नूं मल्टीप्लाई करिए तां 243 बनदा है। हुण जे 5 नूं मैं 81 नाल मल्टीप्लाई करां तां किन्ना बनूगा 81 नूं 5 नाल 5 5 5 5 8 40 405 बनदा है, तां इत्थे ओह आंसर है नहीं। इसका मतलब आ तां मेरी ऑप्शन की होगी गलत है ना। हुण ए तां लॉजिक मेरा नहीं लगना तां इहनूं मैं इरेज कर दां। हुण होर कोई लॉजिक सोचना पैणा। हां एक होर आ गया देखो इत्थे कि 3 की पावर 1 हुण जे मैं 3 की पावर 5 लावां ओही पावर वाली गल यानी कि 3 नूं 5 वार मल्टीप्लाई करां। देखो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 यानी कि जे मैं 3 नूं 5 वार मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ आंदा। हुण ए लॉजिक ला के देखते हैं कि 5 नूं 5 वार मल्टीप्लाई करन ते इन्ना च आंसर है कि नहीं, आओ देखते हैं। तो हुण 5 नूं 5 वार मल्टीप्लाई करिए। लो जी पहला मैं लिख लवां, लिख लिया हूँ 5 5 25 25 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई किया 125 हूँ 125 नूं इस 5 नाल मल्टीप्लाई किया तो 625 हूँ 625 नूं इस 5 नाल मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 5 5 25 5 2 10 2 12 6 5 30 31 3125 आ गया तो आ रहा आंसर। तो आंसर आ गया, कितना बड़ी कैलकुलेशन सी ना।
पांच नू पांच बार मल्टीप्लाई करना पिया ते आंसर किना है 3125। देखो हुण इत्थे किन्नी वड्डी कैलकुलेशन सी, है ना, इदां इदां दे वी क्वेश्चन आंदे आ, है ना। तां इह सी साडी अज दी नंबर एनालॉजी, जिंदे च सानू एक नंबर्स दा पेयर दित्ता सी, दूजे पेयर च अद्धा हिस्सा दित्ता सी, असी उस अद्धे हिस्से दे पार्टनर नू लभना सी। उन्दे लिए असी की कीता सी, असी पहले पेयर विच रिलेशनशिप या लॉजिक स्टडी कीता ते ओही दूजे ते लाता, एही कीता ना। इस एक सिंपल स्पष्ट शब्दां विच रिवीजन रिकैप्चुलेशन, ठीक है। मैनू पूरा विश्वास है तुहानू एक टाइप 5 चंगी तरह समझ आ गई होगी, ते मैं एक्सरसाइज दे क्वेश्चंस विद आंसर्स तुहानू ग्रुप च डाल दूंगी, तुसी उन्हों प्रैक्टिस करो। जे कोई तुहानू क्वेरी है तो सानू कमेंट्स च जरूर दसो, ते जान तो पहला प्लीज ज्यादा तो ज्यादा इस चैनल सब्सक्राइब करो, ते इस वीडियोज नू या होर वीडियोज नू लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।